सो गाइस आईपीएल 2021 से पहले होने वाला है नीलामी, लेकिन गाइस अभी बीसीसीआई ने सभी फैंस को बुरी तरीके से उलझा दिया है कि आईपीएल 2021 से पहले मेगा ऑक्शन होने वाला है या फिर होने वाला है मिनी ऑक्शन। इन दो बड़े संशय के बादल में अभी तक पूरी तरीके से माथापच्ची चल रही है, लेकिन गाइस अभी तक की सबसे बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि चांसेस सबसे ज्यादा है मिनी ऑक्शन होने के। लेकिन गाइस आप निराश मत होइएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं चेन्नई सुपर किंग के फैंस के लिए खासकर कि अगर होता है मिनी ऑक्शन तो आखिर वो कौन से पांच बड़े फायदे रहने वाले हैं जो कि होने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग के कैंप पे, इनके टीम को, इनके स्क्वाड को, इनके फैंस को। यानी पूरी तरीके से डिटेल वीडियो है, एक से लेकर आपको पांच बड़े मैं ऐसे पहलू गिनवाने वाला हूं जिसे सुनकर आप काफी ज्यादा खुश होने वाले हैं। लेकिन गाइस खुश आप होने वाले हैं तो हमें भी खुश कर सकते हैं, आप सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं पहले बड़े खुशखबरी की, यानी पहली बड़ी राहत की, अगर होता है मिनी ऑक्शन चेन्नई सुपर किंग के लिए। सो गाइस जो सबसे बड़ा फायदा होने वाला है वो होने वाला है चेन्नई के कोर को लेके। हां गाइस अगर मेगा ऑक्शन होता तो यहाँ पे तीन खिलाड़ियों को ये रिटेन करते, दो पे आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते और इससे इनकी कोर बुरी तरीके से तहस नहस हो सकती थी। क्योंकि गाइस अगर यहाँ पे मिनी ऑक्शन होगा तो यहाँ पे ये ड्यू प्लेसिस को भी रिटेन कर सकते हैं, धोनी को काफी आसानी से रिटेन करके रख सकते हैं, रायना को रख सकते हैं और बॉलिंग में दीपक चाहर को रख सकते हैं। यानी यहाँ पे काफी ऐसे खिलाड़ी रहने वाले हैं जिन्हें अपने टीम में ये रिटेन करके रख सकते हैं, बड़े आसानी से अपने टीम में संभाल के रख सकते हैं, एक साल और इन्हें मौका दे सकते हैं। और गाइस यही होता मेगा ऑप्शन तो यहाँ पे ऐसा हो सकता था कि ड्यू प्लेसिस को इन्हें छोड़ना पड़ सकता था, नहीं ड्यू प्लेसिस को रखते तो यहाँ पे ना चाहते हुए राइडू को छोड़ना पड़ता, राइडू को रखते तो यहाँ पे आगे जाके काफी ज्यादा खिलाड़ियों को रैना को भी छोड़ना पड़ सकता था। लेकिन गाइस जैसे ही मिनी ऑप्शन का बिगुल बजेगा तो यहाँ पे चेन्नई के कोर को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। लेकिन गाइस आप लोग यही कहेंगे कि पिछले बार ये कोर क्या कर ली थी, लेकिन गाइस आप पिछले साल मत देखिए, पिछले के पिछले साल देखिए, और जब से आईपीएल चला आ रहा है तब से देखिए चेन्नई का कोर क्या फे क्या कर सकता है, वो चेन्नई के रियल फैंस ही जान सकते हैं। और गाइस यही और पहला चीज था जो कि चेन्नई को सबसे बड़ा राहत देने वाला है कि इनके कोर को काफी ज्यादा अच्छा होने वाला। तो गाइस फाइनली हम लोग बात करने वाले हैं दूसरे बड़े चीज के, दूसरे बड़े राहत के बारे में। लेकिन गाइस उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एक ऐप के बारे में, Fun88 नाम का ये ऐप है। यहाँ पे आप जाएंगे, काफी अच्छा ऐप है, यहाँ पे आप कोई भी अभी जो गेम चल रहा है या फिर कोई भी क्रिकेट का मैच चल रहा है, बिग बैश चल रहा है, कोई भी सीरीज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज चल रही है, इसे आप डाउनलोड करके साइन इन करिए और वहां पे आप जाके जो भी मुकाबला अभी फिलहाल में चल रहा है अगली बॉल पे, यानी हर बॉल पे आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या होने वाला है, क्या चीज होने वाला है। तो उसके आपको मिलेंगे पॉइंट्स और पॉइंट्स के बाद आपको मिलने वाले हैं पैसे, और आपको पैसे अगर मिलेंगे तो आप काफी तरीकों से, काफी ऐसे चीज यहां पे दिए गए इस ऐप में, इतनी ज्यादा सुविधा दी गई है कि इसे आप काफी आसानी से अपने बैंक में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और गाइस इससे काफी ज्यादा फायदा आपको होने वाला है, काफी ज्यादा रुपए जीत सकते हैं, काफी ज्यादा सेफ ऐप है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि Fun88 ऐप पे तुरंत इस पे जाइए, वहां पे तुरंत साइन अप करिए, तुरंत अपना लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप तुरंत खोलेंगे तो वहां पे आप पहुंचेंगे और वहां से आप काफी रुपए जीत सकते हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग बात करने वाले हैं दूसरे बड़े फायदे की जो कि होने वाला है इस बार चेन्नई सुपर किंग के कैंप को। और गाइस ये जो फायदा होने वाला है वो होने वाला है ऋतुराज गायकवाड़ के लेके। हाँ गाइस यहाँ पे मैं बात करूँ तो ऋतुराज गायकवाड़ को सबसे बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे मेगा ऑक्शन होगा तो चेन्नई सुपर किंग को ना चाहते हुए भी ऋतुराज गायकवाड़ को रिलीज करना पड़ता। हाँ गाइस ये मैं आपको पहले भी कहता आ रहा था, लेकिन आप हमारे कमेंट सेक्शन में कर रहे थे कि इन्हें छोड़ के ऋतुराज गायकवाड़ को अपनी टीम में ले सकते थे। लेकिन गाइस सबसे बड़ी बात यही थी कि महत्वपूर्ण खिलाड़ी को छोड़ना पड़ता, रिलीज करना पड़ता अगर इन्हें ऋतुराज गायकवाड़ को अपनी टीम में रखना होता। और गाइस इसी वजह से जब मिनी ऑक्शन होगा तो यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ को चेन्नई सुपर किंग के कैंप संभाल के रख सकती है, अपने टीम में रिटेन करके रख सकती है, काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। ऋतुराज गायकवाड़ अगले साल चेन्नई के लिए ओपनिंग करने वाले हैं, और यहाँ पे मैं बात करूँ तो चेन्नई के काफी ज्यादा संकट यहाँ से ढल जाएंगे, हट जाएंगे जब मिनी ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे ये बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ को भी ये अपने टीम में संभाल के रख सकते हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग बात करने वाले हैं तीसरे खिलाड़ी के नाम पे, तीसरे पे नाम पे, और गाइस ये रहने वाली है कि ये काफी ज्यादा खिलाड़ियों को रिलीज करने वाले हैं। हाँ गाइस चेन्नई सुपर किंग भले ही मिनी ऑप्शन होने वाला है,
लेकिन ये 10 से लेके 12 खिलाड़ियों को रिलीज करने वाले हैं, क्योंकि जो ज्यादा एजेड के खिलाड़ी है जो कि चेन्नई में उतना अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं, चेन्नई उन्हें सीधा उठा के टीम से बाहर करने वाले हैं। ये आप अच्छे तरीके से दिमाग में रख लीजिए, भले ही मेगा ऑप्शन नहीं होगा लेकिन बड़े बड़े खिलाड़ी इस मिनी ऑप्शन में अपना नाम देने वाले हैं। विदेशी खिलाड़ी जितने भी रहने वाले, डेविड मलान रहने वाले हैं या फिर मिचेल स्टार्क रहने वाले हैं, सभी बड़े बड़े खिलाड़ी यहाँ पे अपने नाम देने वाले हैं। और काफी ज्यादा टीमें अपने महत्वपूर्ण खिलाड़ियों को छोड़ने भी वाली है, उन खिलाड़ियों को लेने के लालच में। और गाइस इस वजह से यहाँ पे मैं बात करूँ तो चेन्नई सुपर किंग भी काफी ज्यादा खिलाड़ियों को छोड़ने वाली है, और जैसे ही काफी ज्यादा खिलाड़ी को चेन्नई छोड़ेगी तो यहाँ पे इनके जो कि खिलाड़ी हैं जो कि बाहर से आने वाले, जो विदेशी खिलाड़ी रहने वाले, जो इंडियन यंग टैलेंट रहने वाले, उन्हें ये अपने टीम में कैप्चर कर रख सकते हैं, अपने टीम में ये रख सकते हैं। और इसीलिए जो तीसरा बड़ा फायदा होने वाला है मिनी ऑप्शन का, वो यही होने वाला है कि चेन्नई सुपर किंग काफी ज्यादा खिलाड़ियों को अपने मन मुताबिक रिलीज कर सकती है। सो गाइस फाइनली हम लोग बात करने वाले हैं चौथे बड़े फायदे की, जो कि चेन्नई सुपर किंग को इस बड़े ऑप्शन में होता हुआ नजर आने वाला है। वो होता हुआ नजर आने वाला है इनके पर्स वैल्यू को लेके। हाँ गाइस यहाँ पे मैं बात करूं तो इनके पर्स वैल्यू को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि जब मिनी ऑक्शन होता है तो सभी टीमें जिन खिलाड़ियों को छोड़ती हैं उनके जो पैसे रहते हैं वो इनके टीम में ऐड होते हैं। वैसे जब मेगा ऑक्शन होता है तो 80-80 करोड़ लेके सभी टीम बैठती है, तो वो अपने मन से किसी भी खिलाड़ी को ले सकती है। इसमें काफी ज्यादा मैं बात करूँ तो कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही मिनी ऑक्शन होगा तो चेन्नई जो 10 से लेके 12 खिलाड़ियों को रिलीज करने वाली है उनके पैसे इनके में ऐड हो जाएंगे, वो पैसे चेन्नई सुपर किंग के पर्स वैल्यू में ऐड होंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि 40 से लेके 42 करोड़ तक रुपए ये लेके बैठ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। केदार यादव को ये छोड़ेंगे तो यहाँ पे इन्हें 8 करोड़ मिलने वाला है, फिर यहाँ पे पीयूष चावला को ये छोड़ेंगे तो इन्हें 6.5-7 करोड़ रुपए इनके टीम में ऐड होने वाले हैं। यानी सिर्फ यही दो खिलाड़ी को छोड़ेंगे तो इनके पास 15 करोड़ रुपए ऐड हो जाएंगे। और सोचिए कितने ज्यादा खिलाड़ियों को ये छोड़ने वाले हैं, 10 से लेकर 11 खिलाड़ियों को अगर ये छोड़ेंगे तो इनके पास कितना पैसा आने वाला है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सबसे ज्यादा जो रुपए रहने वाला है, सबसे ज्यादा जो पर्स वैल्यू रहने वाली है इस मिनी ऑप्शन में, वो चेन्नई सुपर किंग के पास ही रहने वाली है। फाइनली हम लोग बात करने वाले हैं पांचवें बड़े फायदे की, जो कि चेन्नई सुपर किंग को इस मिनी ऑप्शन में होता हुआ नजर आने वाला है। वो नजर आने वाला है कि अगर मिनी ऑप्शन होगा तो ये विदेशी स्तर के बड़े खिलाड़ियों को अपने टीम में लेते हुए ये नजर आ सकते हैं। हाँ गाइस अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर ये बड़े बड़े जो कि खिलाड़ी अभी फिलहाल में चेन्नई सुपर किंग के टीम में मौजूद है, अगर ये 10 से लेकर 11 खिलाड़ियों को ये छोड़ते हैं तो उन पैसों से ये बड़े बड़े विदेशी खिलाड़ियों को अपनी टीम में ऐड करते हुए नजर आएंगे। और इससे जो फायदा होने वाला है वो चेन्नई सुपर किंग के कोर को ही होने वाला है, क्योंकि अगर इतने रुपए इनके पास रहते हैं तो ये बहुत ही आसानी से, मैं बात करूं तो डेविड मलान जैसे खिलाड़ी को खरीद सकते हैं, मिचेल स्टार्क जैसे खिलाड़ी को खरीद सकते हैं, और जितने भी इंडियन यंग टैलेंट रहने वाले हैं उन्हें ये काफी आसानी से अपने टीम में लेते हुए नजर आने वाले हैं। और गाइस चेन्नई की अगर मैं बात करूं तो इनके कोच और इनकी मैनेजमेंट इतनी ज्यादा सातिर है कि अगर इनके पास 40 से लेकर 42 करोड़ तक रुपए अगर आ जाते हैं तो ये ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को खरीदेंगे, इतने बेहतर खिलाड़ियों को खरीदेंगे कि आप यकीन मानिए कि चेन्नई सुपर किंग की टीम आईपीएल 2020 में वन ऑफ द बेस्ट टीम हमें देखती हुई नजर आने वाली है इस मिनी ऑप्शन के बाद। और गाइस इसीलिए मैं जो पांचवें बड़े फायदे की बात कर रहा था जो कि चेन्नई सुपर किंग को होता हुआ नजर आने वाला है इस मिनी ऑप्शन में, वो यही होने वाला है कि ये जितने भी बड़े खिलाड़ी हैं विदेशी स्तर के, जितने भी खिलाड़ी जो कि अभी फिलहाल में आईपीएल का हिस्सा नहीं है, लेकिन जब मिनी ऑप्शन होगा, जब ये खिलाड़ी अपना नाम देंगे तो इन खिलाड़ियों को काफी ज्यादा तूती बोलने वाली है चेन्नई सुपर किंग, काफी ज्यादा खिलाड़ियों को लेने वाली है। और इससे जो बड़ा फायदा होगा वो चेन्नई सुपर किंग के कैंप और इनके फैंस को होने वाला है। सो गाइस ये तो वो सभी पांच जो कि फायदे जो कि होने वाले हैं मिनी ऑप्शन के बाद। सो गाइस फाइनली आप बताइए कि इनमें से वो कौन सा फायदा है जो कि काफी ज्यादा आपको अच्छा लगा था। अगर मैं मेगा ऑप्शन की कई वीडियोस बना सकता हूं उससे रिलेटेड, तो आप यकीन करिए कि अगर जब मिनी ऑप्शन होगा तो कितने फायदे मैं आपको गिनवा सकता हूं, कौन कौन से खिलाड़ियों को ले सकती है चेन्नई सुपर किंग वो भी मैं आपको बता सकता हूं। तो गाइस आप फटाफट से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा के जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि गाइस एक से बढ़कर अब एक वीडियो यहां पे आने वाले हैं मिनी ऑप्शन का। जैसे ही बिगुल बजेगा तो मिनी ऑप्शन से रिलेटेड आपको काफी महत्वपूर्ण वीडियोस देखने को मिलने वाले हैं। मेगा ऑप्शन होगा तो फायदा ही होने वाला है चेन्नई सुपर किंग को, उसके बाद भी मिनी ऑप्शन होता है तब भी काफी ज्यादा फायदा चेन्नई सुपर किंग को ही होने वाला है। सो गाइस फाइनली आप बताइए कि इस वीडियो के बाद आप कितने ज्यादा खुश हुए दोस्तों, आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो खत्म करते हैं, आपको मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।